गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 7, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है और इसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। 1930 में शांति निकेतन में इन्हें हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षक के रूप में चयन हुआ इनका, और यहाँ पर इन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला, उनका साथ मिला। इसी वजह से उनका साहित्य सृजन की ओर रुझान बढ़ा। 1956 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1957 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 1979 में इनका देहावसान हो गया। अब पढ़ते हैं पाठ क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे हो रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यह पाठ लेखक ने जो भारत की वर्तमान स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति थी, उसी के बारे में लिखा है। आचार्य जी ने देश की वर्तमान स्थिति को बताने के लिए उस पर चिंतन करते हुए यह लेख लिखा था। तो वे कहते हैं कि जो आए दिन समाचार पत्रों में खबरें आती हैं डकैती की, चोरी की, ठगी की, तस्करी और भ्रष्टाचार की, वो समाचार पढ़ पढ़कर मेरा दिल बैठ जाता है, मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। ठगी कहते हैं किसी के धोखाधड़ी करना किसी के साथ में, कुछ सामान लूट लेना उनका। डकैती इसी तरह का है। चोरी तस्करी कहलाती है कुछ सामान जिस पे हमें सरकार को कुछ शुल्क चुकाना होता है, कर देना होता है, उसे बचाने के लिए चोरी छुपे उसे खरीद फरोख्त करना, उसको बेचना, चाहे वह देश में हो चाहे देश के बाहर से विदेशों से सामान लाकर बेचना, तस्करी कहलाता है। और भ्रष्टाचार यानी जो नियम से काम होने चाहिए वह न करके उसके लिए गलत तरीके आजमाए जाएँ तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। जैसे कोई आपको काम करवाना है, सरकारी दफ्तर का कोई काम है और आप अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं, तो जो अधिकारी है उनको या और भी कुछ जो इस काम को जल्दी कर सकता है उन्हें पैसे देकर या कुछ उपहार देकर अपना काम निकलवाना, तो ये भ्रष्टाचार कहलाता है। इस तरह से तो जो समाचार पढ़ने को मिल रहे हैं वर्तमान में समाचार पत्रों के द्वारा, उसे देखकर मन बैठ जाता है, निराश हो जाता हूँ मैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर ओर से यही खबरें मिलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप मतलब दोषारोपण की, एक दूसरे पर दोष लगाने की, तो उसके बारे में जो पढ़ने को मिलता है उससे लगता है कि देश में अब कोई भी ईमानदार नहीं रह गया है। हर कोई व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और जितनी खबरें मिल रही हैं, जितना माहौल हम आसपास का जो देख रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि सब ऐसा ही करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, ईमानदार व्यक्ति कोई भी नहीं बचा है। हर एक व्यक्ति पर संदेह होता है कि ये अभी ठगी, चोरी, डकैती या तस्करी करने वाला ही होगा। तो जितने भी ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कि जो अधिकारी हैं, जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनमें और भी ज़्यादा दोष दिखाए जाते हैं, उनके बारे में और भी गलत से गलत कहा जाता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा।
दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि एक बार किसी ने उनसे कहा था कि आज के समय में वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ भी नहीं करता। अगर आप कुछ भी काम करोगे तो लोग उसमें गुण देखने की जगह, अच्छाई देखने की जगह आपकी कमियां देखेंगे, दोष देखेंगे और उसे बड़ा चढ़ाकर बताएंगे। अगर आपने कोई काम किया तो उसमें अच्छाई नहीं ढूंढेंगे, बल्कि जो कुछ कमी रह गई है या कोई दोष है उसी को बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा और उन्हीं में दोष भी खोजे जाएंगे जो कोई कुछ करेगा, काम करेगा। यह तो सच है कि दोष हर एक में होता है, कोई ना कोई कमी हर एक में होती है, लेकिन हम सिर्फ दोष ही ढूंढें, व्यक्ति को दोषी ही सिद्ध करें तो यह जो स्थिति है वह बहुत ही खराब है, गलत है और चिंता का विषय है कि हमें सिर्फ दोष दिख रहे हैं, गुण या तो दिखते ही नहीं या फिर बिल्कुल भी, हम सोच लेते हैं कि कोई भी गुण उस व्यक्ति में है ही नहीं बल्कि वह दोषी है एक तरह से। तो यह जो स्थिति है वह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अब आगे, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन करता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का यह भारत है और रहेगा। तो लेखक जब ये स्थितियाँ देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि क्या वाकई में ये हमारा देश ऐसा हो गया है, और यह वही भारत है जिसका सपना जो हमारे महापुरुष हुए हैं तिलक और गांधी जैसे, क्या यह वही भारत है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, तो क्या उन्होंने इसी तरह के भारत का सपना देखा था कि जिस तरह से देश हमारे सामने है आज, जिसमें चारों ओर से केवल ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी या भ्रष्टाचार या इसी तरह के गलत चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या इसी का सपना देखा था उन लोगों ने? और जो हमारा देश है, महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष जिसे माना था रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने, कि हमारा जो देश है, संस्कृति जो हमारे देश की है बहुत ही महान है, तो क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका इतना महान अतीत रहा है, इतना सभ्य हमारा देश था कि हमने कभी भी किसी को दुख देने, किसी पर आक्रमण करने या ऐसा कभी भी नहीं किया था हमारे देश ने? गह्वर का मतलब होता है ऐसा गहराई वाला खड्डा या अंधेरा स्थान जो बहुत गहरा हो। तो क्या हमारा जो संस्कृति है, जो सभ्यता थी भारत का, जो अतीत था, वो क्या इसी किसी खड्डे में जाकर डूब गया है जहाँ से हमें उसके गुण ही नज़र नहीं आ रहे हैं? आगे लिखे कहते हैं कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, यानी जो अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृतियों का समन्वय हमारे देश की संस्कृति में हुआ है, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमानों का, यूरोपीय यानी कि जो विदेशी और भारतीय आदर्श जो थे, उन संस्कृतियों का जो मिलन या समन्वय हमारे देश की संस्कृति में हुआ है, और समन्वय करने वाले हमारे जो जनता है, जो लोग हैं, उनका जो महासमुद्र यानी कि भारतवर्ष की जो आबादी है वो एक महासमुद्र मानी गई है, मानवों का महासमुद्र जिसमें अलग अलग संस्कृतियों का समन्वय हुआ है और सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। तो क्या वह समुद्र सूख गया, यानी कि जो गुण हमारे देश के लोगों में थे क्या वह ख़त्म हो गए बिल्कुल? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो लेखक का जो खबरें उन्हें मिल रही है उनसे वो दुखी तो होते हैं, लेकिन
उन्हें मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा देश इतना भी बुरा नहीं हो सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषी बोलते हैं विद्वानों को, तो हमारे जो महान विद्वान हुए हैं उनके सपनों का जो भारत है वह कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकता, वह अभी भी है और हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक कह रहे हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल या वातावरण बन गया है कि ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। इनकी अभी जो वातावरण ऐसा बन गया है, माहौल ऐसा बन गया है कि जो ईमानदारी से और मेहनत से जीविका चलाने वाले यानी कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। निरीह कहते हैं सीधे साधे, या जो इतने शांत और नम्र हो या सीधे हो कि वो किसी का अहित नहीं कर सकते। और श्रमजीवी का मतलब होता है श्रम से अपनी जीविका चलाने वाले यानी मेहनत करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग। तो जो ईमानदार हैं और मेहनत करके अपनी जीविका चला रहे हैं, जो भोले भाले और सीधे साधे लोग हैं, वे ही परेशान हो रहे हैं, पिस रहे हैं मतलब परेशान हो रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो झूठ और जो छल या धोखे से रोज़गार कर रहे हैं कि घटिया सामान बेच रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, या इस तरह से जो रोज़गार कर रहे हैं वो तो खूब फल फूल रहे हैं, खूब अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे लोग परेशान हो रहे हैं और भी कम पैसे में अपना गुजारा कर रहे हैं। और आज के समय में ईमानदारी और मूर्खता को पर्यायवाची माने जाने लगा है, यानी कि जो ईमानदार है वो मूर्ख माना जाने लगा है। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, यानी ईमानदारी से जीवन यापन करना, सच बोलना, जो सच्चाई है उसी पर चलना, केवल भीरू कहते हैं अधर्म से डरने वाले, अपने धर्म से डरने वाले लोग, और बेबस यानी जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वे लोग ही सच्चाई से और ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के हिस्से में यह सच्चाई रह गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है कि जब जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वो लोग भी दुख उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो जो हमारे महान मूल्य हैं जीवन के प्रति, सच बोलना, लोगों को धोखा नहीं देना, बड़ों का आदर करना, चोरी न करना, इस तरह के जो हमारे जीवन के महान मूल्य हैं, उन पर से लोगों की आस्था यानी विश्वास हिलने लगा है। मतलब उन्हें इन जीवन मूल्यों में विश्वास अब उनका हटने लगा है। अब आगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसके दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो लेखक ने यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है उसे एक ऐसे मनुष्य का रूप दिया है, या भारतवर्ष को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ा किया है कि वह एक देश न होकर ऐसा व्यक्ति है जिसने
जो प्राचीन संस्कृति रही है या जो संस्कार रहे हैं ऐसा व्यक्ति माना है, और हमें यह बताया है कि जो हमारा भारतवर्ष है वह ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह करने में विश्वास नहीं रखता, यानी सुख सुविधाओं के जो साधन हैं उनको भंडारण करने, उन्हें इकट्ठा करने में विश्वास नहीं था उसका। और उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर है, जो स्थिर भाव से बैठे हैं, वह ही परम यानी कि सर्वोच्च, चरम यानी कि सर्वोच्च, परम यानी सर्वश्रेष्ठ। तो जो हमारे आंतरिक गुण हैं, जो मनुष्य के गुण हैं, उन्हें ही वह ज़्यादा महत्व देता है। और ये गुण क्या है? सच्चाई, नम्रता, लोगों को धोखा न देना, बड़ों का सम्मान करना, इस तरह के जो हमारे आंतरिक गुण होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो भारतवर्ष यानी कि जो हमारा देश है वह यह प्राचीन संस्कृति रही है कि हम जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका भंडारण नहीं करते, बल्कि जो संस्कार हैं हमारे, जो गुण हैं, वही ज़्यादा संपत्ति हमारी मानी जाती है और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च माने जाते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि के विचार स्वाभाविक रूप से हर एक में रहते हैं। लेकिन हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम इन्हीं के अनुसार काम नहीं करते। इन जो भाव हैं ये हमारे अंदर विद्यमान, उन्हीं को परम शक्ति या उन्हीं को सब कुछ मानकर हम आचरण नहीं करते। और हमारा जो मन है, बुद्धि है, हम उन लोभ, मोह, काम, क्रोध के अधीन होकर हम काम नहीं करते। इन मन और बुद्धि इनके अधीन होकर काम नहीं करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जैसे कोई वस्तु आप उसे अच्छी लगी तो उसे पाने के लिए भले ही उसे उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह उसे अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है वस्तु, तो उसी को पाने के लिए वह हर तरह से उपाय करता है बिना अपने सही गलत का विचार किए। तो ये चीज़ गलत है, अपनी बुद्धि और मन को सिर्फ अपने लोभ या मोह के या काम क्रोध के इशारे पर चलाना और वैसे ही काम करना गलत है। इसी को लेखक ने गलत बुरा आचरण कहा है। और जो हमारा भारतवर्ष है उसने कभी भी उसे उचित नहीं माना है, इनके अधीन होकर काम करना उचित नहीं माना है, बल्कि ये जो हमारे मन के भाव हैं उन्हें संयम के बंधन में बांधकर रखने पर विश्वास किया है और पूरा विश्वास किया है कि हम जो भी काम करें वह धर्म के और जो हमारे संस्कार हैं उसके अनुसार उचित हो, बल्कि लोभ या मोह इन भावों के अनुसार कोई काम ना करें। फिर भी भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो लेखक कहते हैं कि हमारे देश ये तो मानता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे अनाज चाहिए खाना चाहिए, तो वह इसके लिए पहले तो कोशिश करेगा कि सही तरीके से ईमानदारी के साथ वह प्राप्त करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर चोरी करना, डकैती करना या लूटपाट करना, इस तरह के उपाय करने लगेगा। तो ऐसे समय में जब व्यक्ति भूखा है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उपेक्षा की गई तो बाद में वह इसी तरह से अनैतिक व कार्य करेगा। और कोई बीमार है उसे समय से दवा देना भी ज़रूरी है, अगर नहीं दी गई तो उसकी मृत्यु हो सकती है या अपने उपचार के लिए वह कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास उपाय करने के बाद भी उन्हें जो बहुत आवश्यक, जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं वो नहीं जुटा पाते, जैसे खाना, रोटी, कपड़ा, तो ऐसे में वह गलत काम करेगा। और जो गलत राह पर चले गए हैं उन्हें फिर से सही राह पर लाने के लिए जो उपाय करने आवश्यक हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये जरूरी आवश्यकताएं हैं, हम
संस्कारों की वजह से उन्हें उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अब आगे